और अब ये काफी बढ़िया हो गया पहले के हिसाब से, और यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व मैंने कर दी है। चलो गाइस वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ सिटी स्काईलाइंस। और अगर लास्ट एपिसोड मैंने बनाई थी एक नई सिटी जो कि है ये, और मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लगाई थी जो कि है ओरिएंटल टावर, और उसके साथ में यहाँ पे एक मैंने बैंक वगैरह, और काफी सारी देखो सारी बिल्डिंग्स ना अपग्रेड होनी स्टार्ट हो चुकी है। उस सिटी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपनी न्यू दिल्ली सिटी में भी काम स्टार्ट करा था, जिसमें कि इधर देखो बिल्डिंग्स बन चुकी है क्योंकि मैंने यही वाला एरिया भी जोन करा था। तो आज मुझे क्या करना है यार, ये पूरा एरिया मुझे जोन कर देना है, और इसमें देखो कितना ट्रैफिक है ना, इसमें जितनी भी रोड्स हैं देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको ना ट्रैफिक फ्री करने वाला हूँ बिल्कुल, मतलब इसमें ना कुछ मेन रोड्स होंगे जिन पे ट्रैफिक चल सकता है, लेकिन जितनी अंदर की रोड्स होंगी ना वो सारी भाई बिना ट्रैफिक के होने वाली है। तो मैं उनको सिर्फ पेडेस्ट्रियन ओनली करने वाला हूँ, उनको मैं सोच रहा हूँ ट्रैम का सिस्टम दे दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे मेट्रो है पहले से। तो आज यहाँ पे यार पूरा ये जो यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है ना यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के साथ में, ये सारा ट्रैफिक मिटाने वाला हूँ। जो भी राष्ट्रपति भवन के आसपास ये रोड है ये सारी आज होने वाली है भाई पेडेस्ट्रियन ओनली, ठीक है। और इसके साथ साथ एक गड़बड़ और हो गई है, यहाँ पे ना अपना एक जंक्शन बन रहा है, मतलब कि दो लाइन तो सामने से आ रही है और एक लाइन ही ऐसे जा रही है ट्रेन की। तो यार यहाँ पे ना मुझे कुछ इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। मैंने ना यहाँ पे राउंड अबाउट बनाने की कोशिश करी थी भाई, पर वो आइडिया फेल हो गया, राउंड अबाउट पे बहुत ज्यादा जाम लग गया था। तो मुझे ना कुछ और तरीका यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, पहले तो मैं हटा दूँ। ठीक है यार, अब देखते हैं कुछ और तरीका यहाँ पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो यार इसको हटाओ, तो मुझे यार सबको ना आपस में कनेक्ट करना है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो सामने जा रही है ना मेन लाइन, हाँ ये मेन लाइन है ना अपनी, तो इसको तो मैं पहले बना ही देता हूँ ताकि ये इसका काम स्टार्ट रहे। तो यार ये आ जाएगी अपने यहाँ से, एक मिनट ये टेढ़ी कैसे हो रही है ना, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा मुझे, अब सही है, जो कि सीधी आने वाली है इधर, ठीक है। और ये एलिवेटेड रखी है मैंने, बल्कि थोड़ी सी ना और एलिवेटेड करनी पड़ सकती है मुझे, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ क्योंकि नीचे से ना एक ट्रेन निकलने की जगह तो होनी चाहिए। यार ये हो गई अपनी लाइन, और यार ये तो अपनी मेन लाइन हुई है ना, अभी मुझे ना यहाँ पे और काफी सोच समझ के काम करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन का ट्रैफिक ना भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इससे भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब राउंड आउट बना के कोशिश करी थी ना करने की, तो ट्रेन में ना पीछे तक जाम लग गया था पूरा। तो मुझे ना थोड़ा सोच समझ करना पड़ेगा। तो यार जो ये वाली लाइन आ रही है ना अपनी, ये जा रही है अपनी कार्गो टर्मिनल में इधर, बल्कि इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ कुछ दिन में, क्योंकि ये ना पूरी अंडरग्राउंड लाइन है, तो मैं ना ऊपर से कर दूंगा बाद में, है ना। चलो यार इसको लगाते हैं पहले, तो ठीक है ये अपनी इधर से आ जाएगी, और इसमें से यार एक तो अपनी चली जाएगी एकदम सीधी स्ट्रेट सामने की तरफ, ठीक है। एक तो निकल जाएगी सामने इसमें, जो कि अपनी आगे जा रही है, जो कि जा रही है इस वाले में, ठीक है। ये वाली अंडरग्राउंड होकर ना यहाँ तक आ रही है, और जो अपनी दूसरी लाइन होने वाली है, बल्कि ये काम करता हूँ इसको ना मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको ना मैं साइड साइड से लाऊंगा, यहाँ पे ना जगह घेर रही है, इसको मैं बिल्कुल ना साइड से लाने वाला हूँ इधर से, ये नदी के साथ साथ, ठीक है। तो ये अपनी नदी के साथ साथ भाई इधर तक आ जाएगी पूरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है अब सही है। और इसको ना मैं इधर नदी के साथ साथ ही पूरा ऊपर ऊपर ले जाऊंगा, और आगे जाके मैं फिर अंडरग्राउंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ जाके अंडरग्राउंड हो सकती है आराम से, तो मैं इसको कर देता हूँ। अब ये पहले से कौन सी लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ओ भाई ये कौन सी लाइन है, मैंने यहाँ पे पहले भी लाइन बनाई थी, कोई नहीं इसमें ज्वाइन कर देता हूँ। और ये नई वाली लाइन को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये हट गई लाइन, और ये वाली लाइन हो गई कम्प्लीट, बल्कि इसको ना सही से लगाना पड़ेगा। यार यहाँ पे अंडरग्राउंड रखनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे ना जगह नहीं है इतनी, पर आगे जाके मैंने इसे बाहर निकाल दिया है लाइन को, और अब ये बढ़िया भी लग रही है। अगर ये तो हो गई इससे कनेक्ट होने वाली लाइन, बल्कि ना मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ आगे से, ठीक है। जो आगे अंडरग्राउंड, यार अंडरग्राउंड रेल लाइन है थोड़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसको सारी को हटा रहा हूँ आगे वाली को। और इसमें ना कोई, अरे यार ये क्या तोड़ दिया मैंने यहाँ पे, यार गलती से मेट्रो टूट गई यार, इसमें एक अंडू का बटन होना चाहिए ना, अब मुझे मेट्रो की लाइन शायद दोबारा बनानी पड़ेगी। कोई नहीं भाई, ठीक है ये तो हो गई अपनी। और ये मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें ना यहाँ बीच में कोई स्टेशन भी नहीं है, मतलब इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मेन जो ट्रैफिक है ना वो इस लाइन पर होने वाला है, और मैंने इसको ना डुअल ब्रिज कर दिया है, पहले एक लाइन थी ना बस, अब मैंने यहाँ पे दो लाइन बना दी है, ठीक है। ये तो हो गया अपना कम्प्लीट, अब चल के भाई यहाँ पे करते हैं डिजाइन। यार अभी तो ये सीधी जा रही है, ठीक है, अब इसको अगर सीधा नहीं जाना और इसको भाई ऊपर मेन लाइन को पकड़ना है जो ऊपर से जा रही है लाइन, तो इसके लिए मुझे यहाँ से एक बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे करके क्या बोलते हैं, एक ना एलिवेटेड पाथ बनाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गई अपनी पहली लाइन, और इसको ना थोड़ा मैं कर्व, अच्छा एक मिनट इसको ना थोड़ा वो कर देता हूँ मैं, मूव इट मोड से ना इसको मैं कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, इसकी स्लोप सही कर देता हूँ मैं, ज्यादा अजीब सी लग रहा है ना अभी, तो स्लोप ऑब्जेक्ट, ठीक है अब थोड़ा फिर भी सही है, स्मूथ एकदम। तो यार इतना तो बन गया यार, बहुत मुश्किल है यार वाले जंक्शन बनाना, देखने में लग रहा था मुझे कैसी बन जाएगा, क्योंकि यार बहुत सारी नोड्स हैं एक साथ यहाँ पे। तो यार इनका कनेक्शन तो हुआ पूरा, अब इन लोगों के लिए इधर जाने का भी रास्ता है, इधर जाने का भी रास्ता है, ठीक है। पर इनके पास अभी एक रास्ता नहीं है, जो कि है अपना इधर से, अगर इसको भाई इधर जाना है इसके ऊपर, है ना, तो एक काम करता हूँ यहीं पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया भाई उतरने का,
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, पर यार ये बनाना तो मुझे ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है तो यार ये हो गया कुछ यहाँ से उतरने का, और इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ। सर अब यहाँ पे इधर से आने वाली ट्रेन भी अपनी इधर से उतर पाएगी नीचे, और जो इधर से आने वाली ट्रेन है वो भी यहाँ से नीचे उतर सकती है। ठीक है तो मैंने दोनों के लिए यहाँ पे रास्ता बना दिया है भाई, मेरे से तो यार ऐसे ही बन पाया अभी। इसको मैं बाद में ना और ज़्यादा इम्प्रूव कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। सर ऐसी मुझे एक इधर भी बनानी है अभी, एक रूट मतलब एक क्या कहते हैं एक ये इधर भी बनेगी अभी, तो ये भी यार यहाँ से ऐसे घूम जाएगी और पूरी ना ऐसे कर्व हो के आएगी। ठीक है तो ये होगी इधर से कर्व, और अभी के लिए तो मैं इसको ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल सही एकदम। भाई जंक्शन देखो एक बार कैसा बना दिया मैंने, खतरनाक लेवल की जंक्शन है भाई साहब। और अब यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं लग रहा है ट्रेन का भी, तो मतलब ये वाली पूरी लाइन और ये वाली लाइन सारी आपस में कनेक्टेड हो चुकी हैं और काफी बढ़िया भी लग रही है। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं भाई अपना न्यू दिल्ली सिटी का काम जो की थी अपनी इस तरफ। ठीक है तो मुझे इसे भाई बनाना है एकदम पेडेस्ट्रियन ओनली ना, पहले तो बहुत सारी पार्किंग चाहिए इन लोगों को, और कुछ ना बिल्डिंग्स होती है मैं दिखाता हूँ एक बार। इसमें पेडेस्ट्रियन ओनली कहाँ पे था, ये रहा पेडेस्ट्रियन एरिया में बस तीन ऑप्शंस है, एक तो अपने ब्लू स्टोन, मैं दिखा देता हूँ ब्लू स्टोन कैसा होता है। ये है अपना ब्लू स्टोन, ठीक है ये ब्लू स्टोन था, ये हो गया सैंड स्टोन, और इसके बाद एक पाथ और था अपना कोबल स्टोन का ना, यार ये अपना कोबल स्टोन। तो ये तीन ऑप्शन है मेरे पास, और सच बताऊँ मुझे ब्लू स्टोन वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, सिंपल है क्योंकि ये नहीं तो कोबल स्टोन भी सही है। और इसके अंदर ना ऑप्शंस भी है मेरे पास, जैसे कि ये बस ओनली, और क्या बोलते हैं ट्रेन भी मैं इसमें चला सकता हूँ, ट्रॉली बस भी चला सकता हूँ। पहले तो ना पेडेस्ट्रियन एरिया बनाते हैं यहाँ पे, तो यार ये जितना भी अंदर वाला एरिया है ना ये पूरा पेडेस्ट्रियन ओनली होने वाला है, बल्कि जो बीच में है ना एरिया इसको बनाता हूँ भाई। ये फोर लेन रोड है ना, एक मिनट, फोर लेन रोड को मैं कर देता हूँ भाई ये वाला विद ट्रेम ट्रैक्स, तो इसको मैं अपग्रेड ही कर देता हूँ, इसमें कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है तो यार ये बिल्कुल इंडिया गेट के सामने की रोड अपनी हो गई सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए। देखो यहाँ पे बैरिकेडिंग हो गई ना, अब इसमें कोई गाड़ी नहीं आ सकती अंदर, और यार भी कितनी बढ़िया लग रही है जगह। वैसे बीच बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग है, पर मुझे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं चाहिए भाई बिल्कुल भी, ये जितनी सिटी है ना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं चाहिए। ट्रैफिक को मैं सोच रहा हूँ कि ये टोल प्लाजा है ना अपना, यहाँ पे टोल प्लाजा, बल्कि यहाँ पे टोल प्लाजा है ना, इससे आगे का मैं पूरा यहाँ पे ना पार्किंग्स लगा दूंगा बहुत सारी। ठीक है ये रोड तो अपनी हो गई, अब मुझे और ये शायद ट्रेम ट्रैक्स है ना, हाँ ट्रेम ट्रैक्स है इसके साथ। एक बार ये सैंडस्टोन वाली और लगा के देखता हूँ मैं, सैंडस्टोन वाली कैसी है, एक मिनट, ये है सैंडस्टोन वाली। यार ये कुछ ज्यादा येल्लो येल्लो सी लग रही है ना ऊपर से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोबल स्टोन वाली बेस्ट है अपनी, मतलब ब्लू स्टोन वाली। इसको मैं फाइनल कर रहा हूँ, ठीक है ये होगी भाई कंप्लीट। और अब मुझे बाकी की रोड्स भी करनी है जो कि होगी अपनी स्मॉल रोड, ये है ना स्मॉल पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, मेरे सारी पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट ही होने वाली है। और इनको ना मुझे एक एक्सेस पॉइंट देना पड़ेगा जिससे कि ये लोग एक्सेस कर सकें यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने पूरा ट्रैफिक तो बैन कर दिया है ना, तो ट्रैफिक बैन होने के बाद इनके पास एक्सेस तो होना चाहिए ना बाहर का, ताकि जो यहाँ पे जितने भी ऑफिस हैं, और ऑफिस कह रहा हूँ जितना भी कमर्शियल एरिया है उसको सामान चाहिए, एक तो ऊपर से गार्बेज के ट्रक है वो नहीं आ पाएंगे, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। यार बल्कि मैं सोच रहा हूँ इस रोड को मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, एक आधी रोड तो यार मुझे रखनी चाहिए ना इसमें। मैं सोच रहा हूँ ये जो मेन रोड है ना इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इंडिया गेट के पास में तो भाई पूरी को पेडेस्ट्रियन बनाओ इसको, इसमें तो भाई इतना जाम कर रखा है इन लोगों ने, तो मैं पेडेस्ट्रियन ओनली बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे ना अपना एक मेट्रो स्टेशन भी है, कहाँ गया भाई मेट्रो, ये रहा, तो यहाँ पे तो अपना मेट्रो स्टेशन भी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे तो ये लोग सीधा आके यहाँ पे घूम सकते हैं आराम से। ठीक है मैंने पूरा कर दिया है पेडेस्ट्रियन ओनली, यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है चलो ये हो गया अपना पेडेस्ट्रियन ओनली, और साथ में और कौन सा एरिया बच गया, ये वाला भी कर ही देता हूँ। ठीक है यार अब लोग ना आराम से इंडिया गेट घूम सकते हैं, यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त रोड लग गई है, और साथ में पेड़ भी इतने बढ़िया लगा रखे इन्होंने, और जीरो ट्रैफिक हो जाएगा यहाँ पे, तो ट्रैफिक के तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे थोड़े ज्यादा ही पेड़ लग गए, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है ना भाई, कितना यार कितना और भी बढ़िया लग रहा है ये एरिया। तो अब मुझे यार इसे पेंट करना है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा पेडेस्ट्रियन ओनली का। ठीक है ये आ गया अपना पेडेस्ट्रियन ओनली, और इसको मैं ना इधर इधर बना देता हूँ पूरे को। अरे पार्क एरिया हटाना पड़ेगा मुझे इसके लिए, अरे क्या हुआ पेडेस्ट्रियन ये पेंट हो रहा है ना, कभी कुछ और पेंट हो जाए। पर यार पार्क एरिया क्यों हट रहा है फिर यहाँ पे, ये पार्क एरिया भी पेडेस्ट्रियन एरिया में आता है। अच्छा तो मुझे पार्क एरिया भी हटाना पड़ेगा, यार दोनों एक साथ नहीं बन सकते पार्क एरिया और पेडेस्ट्रियन एरिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे राउंड अबाउट पे से लोग आ रहे हैं ना, तो इससे लोग वापस चले जाए यहीं कहीं, तो मैं एक काम करता हूँ राउंड अबाउट पे तो लोग आएंगे ही, ठीक है यहाँ पे तो मैंने नहीं रोक सकता आने से, तो राउंड अबाउट के ना पास में कुछ पार्किंग्स होंगी जैसे कि यहाँ पे, ताकि लोग बाहर से आए और गाड़ी इसमें पार्क करके मतलब अंदर चले जाए, है ना, क्योंकि मेन सिटी मतलब जो बाहर से लोग आएंगे वो गाड़ी लेके तो आएंगे ही भाई, बिना गाड़ी के तो नहीं आ सकते। यार सारी पार्किंग इस साइड लग रही है, ठीक है लग गई पार्किंग लग गई। अब कुछ ना यहाँ पे फैसिलिटीज देनी है मुझे, मैं दिखाता हूँ, स्मॉल पेडेस्ट्रियन एरिया सर्विस पॉइंट, लार्ज पेडेस्ट्रियन एरिया सर्विस पॉइंट। ठीक है तो ये तो हो गया सर्विस पॉइंट, पर ये करता क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ।
टैलिस्मैन डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड कलेक्ट गार्बेज, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे दुकानें होंगी ना, जितना यहाँ पे कमर्शियल एरिया है, उन सबको भाई ये पहुँचाएगा, उनका जो कार्गो होगा वो पहुँचाएगा, और साथ में क्या बोलते हैं जो गार्बेज कलेक्ट होगा ना वहाँ से, तो यहाँ पे ट्रक्स तो चल नहीं पाएंगे, यहाँ पे रोड तो है नहीं अब, तो वो भी ये कलेक्ट कर लेगा। और ये क्या है भाई, कार्गो सर्विस पॉइंट, ये कार्गो करता है। सर सिर्फ एक ही सर्विस पॉइंट लगाऊं, मैं सोच रहा हूँ एक से तो काम नहीं चल पाएगा यार, बहुत बड़ी सिटी है, मुझे लग रहा है ना दो तीन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। यार यहाँ से अपनी एंट्री हो रही है ना, तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे लगा देता हूँ। अच्छा तो इससे पेंट होता है पेडेस्ट्रियन एरिया। एक मिनट यार, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो रही है यार, ये रोड हटाओ पहले तो। और ये क्या है, लार्ज सर्विस पॉइंट ना, सर यहाँ पे एक सर्विस पॉइंट लग जाएगा अपना इस तरफ, ठीक है यार, ये लग गया अपना सर्विस पॉइंट। तो जो भी ट्रैफिक आएगा इधर यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्क करेगा, इससे आगे इनके लिए एंट्री नहीं है, तो इससे आगे मैं पूरी ना पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट ही करने वाला हूँ। तो आगे वाली तो यार ये पूरी पेडेस्ट्रियन होने वाली है, इसमें कोई नहीं जाएगा आगे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट में पार्क एरिया कैसे पेंट होगा, क्योंकि इसने अपना खुद का एक एरिया बना लिया है ना। अरे पेडेस्ट्रियन एरिया भी ना एक तरीके से पार्क एरिया की तरह काम कर रहा है ये भी। बस मुझे एक दिक्कत लग रही है कि ये पार्क का मैं क्या करूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे ना पार्क है, और ये कह रहा है कि पार्क को यहाँ पे क्या बोलते हैं कैन नॉट बी रीच। यार यार पेडेस्ट्रियन एरिया में पार्क नहीं बन पाता क्या, नो रोड एक्सेस। यार ये इसको रोड की तरह काउंट नहीं कर रहे पता नहीं क्यों, जबकि ये रोड ही तो है। और जितने ही बाहर से लोग आएंगे यार, जहाँ तक है यहाँ पे पार्क करनी चाहिए इनको, यार ये बीच वाली रोड रहेगी ना। अभी कुछ रोड ना छोड़ दिए मैंने, इनको सबको कर देता हूँ मैं। पर यार मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पार्क का क्या करूँ, क्योंकि पार्क में यहाँ पे ना कुछ वो आ रहा है कि नो सर्विस पॉइंट और ये सब, तो मैं क्या करूँ यार पार्क के लिए यहाँ पे। मेरे तो भाई मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ कर दिया है कुछ। यार इधर भी अपनी पार्किंग लग चुकी है, और दूसरी साइड भी अपनी पार्किंग है, ठीक है दोनों साइड अपनी पार्किंग हो गई है। और यार लोग लगा के नहीं रहे पार्किंग में, एक मिनट मुझे ना रियलिस्टिक पार्किंग ऑन करनी पड़ेगी। लोगों ने देखो यहाँ पे, ओ भाई साहब कितनी बढ़िया लग रही है स्ट्रीट। अच्छा तो ये यहाँ पे पुलिस आ सकती है, यार ये सही है यार पुलिस के लिए, देखना पुलिस की गाड़ी यहाँ पे चल पा रही है आराम से। पर जो नॉर्मल लोग है ना वो अपनी गाड़ी यहाँ पे नहीं ले जा सकते, पर पुलिस ले जा सकती है। और यहाँ पे बढ़िया भाई, पुलिस तो घूम सकती है, ठीक है ये तो। और इधर भी सब सही है, इसको पानी मिल रहा है यार, एक तो ये एक एक घर रह जाते हैं ना इनके पानी के बिना। ले भाई पानी ले ले तू भी। अब भाई मेरे ये सिरदर्दी हो गई कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्योंकि यार यहाँ पे नो रोड एक्सेस बता रहा है यार, ये रोड ही तो है भाई। भाई यार क्या करा जाए अब यहाँ पे। तो जो अपना मेन एरिया हो गया ना बीच का घूमने वाला, वो तो भाई पेडेस्ट्रियन ओनली हो चुका है। साथ ही साथ ना मैं इसको भी कर देता हूँ जो कि राष्ट्रीय उद्यान के साइड में है, क्योंकि यहाँ पे भी ना काफी लोग आ रहे हैं नहीं तो। ठीक है इसको भी मैंने कर दिया भाई पेडेस्ट्रियन ओनली, बढ़िया। पर ये ना बहुत प्लेन प्लेन सा लग रहा है पता नहीं, जो इस मैंने यहाँ पे पेड़ लगाया था, ठीक है पेड़ के साथ सही है, बिना पेड़ के ना खाली खाली सा लग रहा था। चलो यार अब देखो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है राष्ट्रपति भवन तो। अब बस यार ये पार्क की मुझे दिक्कत हो गई है, इसका मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इधर भी इन्होंने यार बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी थी, तो मैं यहाँ पे ना जोन कर देता हूँ। यार जो इंडिया गेट के पास में है ना, यहाँ पे ना कुछ पार्क और बनाने थे मुझे, पर ये लोग अब दिक्कत कर रहे हैं। काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना ज्यादा भीड़ नहीं करता, इसको रखते हैं भाई कमर्शियल, और इस पूरे को रखते हैं भाई रेसिडेंशियल, वो भी लो डेंसिटी, क्योंकि हाई डेंसिटी में भाई क्या कहते हैं व्यू थोड़ी ना खराब होगी फिर यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स छोटी छोटी है ना, ये तो दूर है इसलिए मैंने इसे हाई डेंसिटी कर दिया था। बल्कि मैं इसे भी सोच रहा हूँ कि लो डेंसिटी कर दूँ, पर अब तो सही लग रहा है वैसे, नहीं तो कर दूंगा बाद में, मुझे बताना यार कमेंट करके। और ये वाला एरिया भी पूरा यार सोच रहा हूँ कि इसे लो डेंसिटी रेसिडेंशियल ही बना देता हूँ, इसे डिमांड तो बहुत कम है अभी रेसिडेंशियल की, कोई नहीं जब बढ़ेगी जब बनते रहेंगे। और जो बीच का एरिया है ना, इसमें मैं यहाँ पे ना फॉरेस्ट टाइप कुछ बनाने वाला हूँ, एक बार ये लोग घर बना ले पहले, तो यहाँ पे काफी सारे पेड़ लगाने वाला हूँ। और सेम मैं इस साइड करूंगा, ये वाला कमर्शियल और बाकी का अपना, अरे यार ये तो रेसिडेंशियल करना था, हाँ तो ये हो जाएगा अपना रेसिडेंशियल। और जो अंदर वाला एरिया है ना, इस पे मैं सेम इस तरीके से ना रोड बना देता हूँ, तो सेम हो गया दोनों तरफ, ऊपर से देखने में बढ़िया लग रहा है एकदम। और इसमें अब मुझे करना है भाई रेसिडेंशियल पूरा का पूरा, हाँ लो डेंसिटी है ना इधर भी, ये हो गया अपना भाई लो डेंसिटी। तो इधर का काम अपना हो गया भाई कंप्लीट, मतलब ये बीच वाला एरिया तो अपना फुल हो गया है, अब मुझे इस वाले एरिया के बारे में सोचना है। मुझे भी देखना है कि मैं इसको भी पेडेस्ट्रियन ओनली बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रैफिक नॉर्मल है, मतलब इतना कुछ ज्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, और साथ में मुझे टोल से पैसे भी आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ट्रैफिक को जीरो तो नहीं करना चाह रहा। और यहाँ पे भी सब ठीक ही चल रहा है, ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही, बस इसको मैं सही कर देता हूँ। वैसे ये लोग अंदर जा ही क्यों रहे हैं यहाँ पे, इतना जाम अब भी कर रहे हैं लोग, अगर इनको पार्किंग में लगानी है तो कोई तरीका नहीं है क्या यहाँ पे। पर यहाँ पे मुझे अगर ट्रैम वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लोग पैदल ही इतना बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर कोई ट्रैम चलाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना मेट्रो है पहले से, मैं दिखा देता हूँ। अरे ग्रीन ग्रीन क्यों हो गया सब, पर यहाँ पे ये रही अपनी मेट्रो, इधर से लेके पूरी यहाँ तक मेट्रो है, इसमें कि एक दो तीन चार पांच स्टेशन है,
और इस वाली मेट्रो से तो ये भी बहुत पास है, तो इतने से रूट के लिए लोग कभी भी ना कोई और ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं करेंगे, तो वेस्ट हो जाएंगे पैसे। और इन लोगों ने यार रोड पे पार्किंग स्टार्ट कर दी, ये पार्किंग सारी ऑफ करनी पड़ेगी। चल निकल अपने घर में खड़ी कर गाड़ी, आप रोड पे पार्क कर करके जा रहे हैं बताओ। फिर कहते हैं भाई जाम लग रहा है, जाम तो लगेगा ही। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो सर्विस पॉइंट लगा दिए हैं, एक कार्गो का और ये किस चीज़ का है सर्विस पॉइंट। ठीक है, तो दो सर्विस पॉइंट अपने लग चुके हैं। इसके साथ साथ एक काम करता हूँ, दूसरी साइड भी लगा देता हूँ, क्योंकि इधर से भी लोग आ रहे हैं ना काफ़ी। तो ये कौन सी रोड पे था, इस वाली रोड पे था ना यार। एक तो ये लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक ये लग जाएगा। बल्कि ये ना गार्बेज का लगा देता हूँ मैं, गार्बेज का मैंने कुछ नहीं लगाया ना। पानी चाहिए इसको, एक मिनट, पानी ना या सारे में चाहिए, तो इसको सारे में कर देता हूँ पानी को। ठीक है, ये आ गया इधर तक, टेम आ जाएगा इससे। गरी वाला एरिया भरने ही वाला है, बस ये लोग घर बना लेना एक बार। यार यहाँ पे नहीं बने अभी घर, एक बार इस वाले एरिया में और घर बन जाए ना, फिर मैं यहाँ पे पेड़ लगा दूंगा। मतलब उस तरीके से तो नहीं लग पाएंगे, पर पहले मैं काम करता हूँ, पाथ बना देता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल पाथ जो होता है अपना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल, अब कहाँ से लग रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पाथ भी मैंने बना दिए हैं, और यहाँ पे मैं पेड़ लगा देता हूँ ताकि ये छुप जाए। फिर ये लगा दिया मैंने कुछ पेड़, पर ये ना अच्छे से नहीं लग रहे यार, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। इस साइड तो घर ही नहीं बने अब तक यार, इतना कमर्शियल एरिया बना दिया, इनकी डिमांड ही खत्म नहीं हो रही यार। अब इस पार्क को बचाने का एक ही तरीका है कि मैं पार्क में से ना चीज़ें हटा दूँ सारी, क्योंकि नॉर्मल पार्क से यहाँ पे लग सकता है, बस ये ना ये वाला पार्क नहीं लग पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल पार्क से यहाँ पे लग रहा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ लगा के। यार ये मैंने क्या तोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको ना नॉर्मल पार्क बना दिया जैसे कि होता है। ठीक है यार, मैं बाकी का एरिया भी कर लेता हूँ। पहले तो यार इसको हटाओ यहाँ से, इतना बुरा लग रहा है यहाँ पे, ये ना दूर लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डेड पर्सन कहाँ से आ गए इतने सारे। तो यार मुझे ना इस तरफ फैसिलिटीज़ भी देखनी पड़ेंगी, तो उधर तो यार मैंने सब कुछ लगा दिया था, इधर भी अपना हॉस्पिटल तो लगा हुआ है, और फायर का कुछ है इधर, फायर का इधर कुछ भी नहीं है। तो फायर स्टेशन एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ था, एक वॉच टावर लगाया था हमने इधर। ये चलो एक फायर स्टेशन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, फायर का भी काम हो गया इनका, और अब एक चाहिए इनको पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन अपना आ जाएगा इधर पे। ठीक है, दोनों एरिया का काम हो जाएगा, और दो पुलिस स्टेशन ही है अभी यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक और लग जाएगा बाद में। फिर यहाँ पे एक एलिमेंट्री स्कूल लगा तो हुआ है, पर मुझे ना हाई कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना काम नहीं कर पाएगा इतने सारे लोगों के लिए ना। तो एक ना यहाँ पे हाई कैपेसिटी एलिमेंट्री स्कूल, बल्कि ना इसको मैं लगाता हूँ भाई इधर, क्योंकि इधर क्या है कि इधर सामने मेट्रो है, तो जितनी चीज़ें हैं ना मैं इधर लगाने की इसलिए सोच रहा हूँ, क्योंकि सीधा मेट्रो का एक्सेस है, मेट्रो लगी है ना सामने। ये एलिमेंट्री है ना पुराना वाला, इसको निकालो भाई यहाँ से। ये अपना नया वाला आ चुका है, पुलिस स्टेशन को करो साइड में, बस अब बढ़िया है। तो ये लोग यार यहाँ पे रोड पे पार्क क्यों कर रहे हैं गाड़ियाँ, पार्किंग क्या करूँ इनका, पार्किंग का मैं इनको पार्किंग यार मैं दे भी नहीं सकता इतनी ज़्यादा, क्योंकि फिर ना बेकार से लगता है ज़्यादा पार्किंग बनाने के बाद ना। अब ठीक है, गाड़ियाँ तो मैंने हटा दी इनकी सारी। ठीक है, और भाई ये वाली पार्किंग भी अपनी भरनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल सिटी की ना एंट्री पे है वाली पार्किंग। ठीक है, अरे पेडेस्ट्रियन ओनली बन गया इधर का एरिया, तो बस बचा है भाई अपना ये वाला एरिया। यहाँ पे तो मैं बस सिर्फ पेड़ लगाने हैं मुझे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अरे यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं डेकोरेशन कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए यार बुशेस, ये रहे तो ये तो मुझे यार मैनुअली लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा ना डेकोरेशन काम करता हूँ जल्दी से। अरे एरिया अब ये डेकोरेट भी हो गया, और देखो कितना बढ़िया लग रहा है। पहले ना बिल्कुल खाली पड़ा था ये, अभी ना यहाँ तक भर गया। अभी ये बस यहाँ पे ना घर लोग बना नहीं रहे अभी। अरे मैंने यहाँ पे जोन नहीं करा अब तक, तो इसको भी मैं जोन कर देता हूँ, ये अपना होने वाला है। बल्कि हाँ ये कमर्शियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना साथ में मेट्रो स्टेशन है ना, यहाँ पे ना कमर्शियल सही रहेगा। ठीक है, एक बार इधर और घर बन जाए ना अपना, कंप्लीट हो जाएगा ये। और अगर कभी आगे मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ी, वैसे भी पड़ नहीं रही, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं एक ना ट्रेम यहाँ पे आउटर वाले इस सर्कल में चला सकता हूँ, पर अभी के लिए लगता नहीं मुझे कि जरूरत है। जब ये सिटी और ज्यादा ग्रो होगी ना, उसके बाद शायद जरूरत पड़ सकती है। अब मेरे पास यार इधर वाला एरिया काफी खाली पड़ा, और यहाँ पे यार जाम, ये क्या हो रहा है, इसमें गार्बेज है स्पाइल्ड। अबे ये क्या हो रहा है भाई। अरे यहाँ पे पॉलिसीज भी हैं, स्लो ड्राइविंग, स्ट्रीट म्यूजिक कर देता हूँ, लीवर एवरीथिंग कर दिया। ठीक है, और अरे इसके अंदर और भी चीज़ें हैं यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं तब तक। फाउंटेन प्लाजा, फ्लावर प्लाजा, और कुछ बिल्डिंग्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं, और टूरिज्म के लिए ये सब है। तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है, क्योंकि बिल्डिंग्स में होना चाहिए ना। तो पेडेस्ट्रियन ओनली, इसमें कहाँ पे मिलेगा ये सब। ये प्लाजा लग सकता है इसके ऊपर यार, ये लग सकता है ना, तो मैं फिर लगा दूँ यहाँ पे। यार लग तो यहाँ पे बढ़िया रहा है, पर ये ना थोड़ा पार्क के अंदर जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी कैसे आ रही है भाई, पेडेस्ट्रियन एरिया पे गाड़ी कैसे आ रही है। एक ये फ्लावर प्लाजा है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, दोनों साइड एक एक फ्लावर प्लाजा हो गए, या एक ग्लास रूफ प्लाजा। एक बार ये देखो कैसा लग रहा है भाई, यार तो बहुत बेकार लग रहा है, हटाओ इसे तो, बेकार है। तो कुछ इसमें यूनिक बिल्डिंग नहीं खुली यार। ये एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट मार्केट, जो कि यहाँ के लिए बहुत सही रहेगी मेरे ख्याल से, तो इसको ना मैं इधर पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पे ही लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक तो अपनी हो जाएगी भाई इस तरफ, और एक अपनी हो जाएगी भाई दूसरी साइड। अरे एक ही लग सकती है, तो कैसी लग रही है एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है मार्केट, और मतलब ये पेडेस्ट्रियन लोगों के लिए ही है। और देखो यहाँ पे रास्ता भी वही वाला है ना, कोई गाड़ी नहीं आएगी इसके ऊपर। इसको ना इस साइड होना चाहिए था, पर इस साइड जगह है नहीं मेरे पास बिल्कुल भी।
इन्होंने अब भी इतना जाम लगा दिया, अरे क्या कर रहे हैं लोग पता नहीं। पर ये जाम हटेगा कैसे? अब मुझे ना एक काम करना पड़ेगा कि भाई इनको ना मैं सिटी के अंदर घुसाऊंगा ही नहीं अब, ये हटाओ सारी रोड, ठीक है सिटी के अंदर ये लोग जाएंगे ही नहीं अब, इनको ना बाहर बाहर ही निकाल दूंगा पहले ही। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक रोड तो अपनी इधर से जाएगी एकदम सामने, ठीक है एक रोड इधर से आ गई अपनी, और इन दोनों को हटाओ ये दोबारा लग जाएंगे तो, और एक रोड भाई अपनी अब आ जाएगी इस तरफ से, इधर से ही है ना उधर, नहीं थोड़ी सी ऊपर चलानी पड़ेगी। ठीक है अब मैं ये बस सिर्फ ये रूट रखने वाला हूँ, और जो पार्किंग्स होंगे ना जितनी भी आ जाएंगी भाई इसके ऊपर, ठीक है आ गई पहली पार्किंग, तो इससे क्या होगा ना पीछे वाला एरिया अब खाली हो जाएगा वहाँ पे बिना बात। भाई इन्होंने जाम इतना लगा दिया, पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा साइड, ठीक है अब ना इस वाली रोड को मैं वापस से भाई पैदल चलने वालों के लिए कर देता हूँ, क्योंकि अब इससे ना थोड़ी जगह मतलब अब इस पर ना भीड़ कम हो जाएगी इससे, और इससे लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक तो इधर आउटर सर्कल में जा सकते हैं लोग, ठीक है इधर ही आउटर सर्कल हो गया ना अपना। तेरे पार्किंग इतनी ज्यादा कर रहे हैं ना रोड पे इनको, भाई मैं इनकी गाड़ियां ना इसमें पुलिस उठाती नहीं है गाड़ी, एक ये वाला फीचर और डल जाने से मजा आ जाएगा, ये रोड पे पार्क कर करके भाग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ये हो गया कंप्लीट इतना, और अब बस मुझे यहाँ पे दो सर्विस पॉइंट लगाने हैं, और जहाँ तक वाले एरिया अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके अलावा इसको इनको मतलब और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो आ गया इधर कार्गो, ठीक है लार्ज गार्बेज पॉइंट हो गया एक तो, और एक ये हो गया, और साथ में ये अरे देखो अब इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है ऊपर से निकल के, और भाई मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो यहाँ पे इतने सारे राउंड अबाउट भी हैं, और साथ में ट्रैफिक कम हो तो गया है पर ये लोग यहाँ पे रुक रहे हैं यार। यार तू पता नहीं ये ट्रक वाला कहाँ भाग गया, इसने जाम लगा दिया। सिटी स्काइलाइंस 2 में ना ये क्या कहते हैं एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं रोड पे, मैंने देखा था अभी ट्रेलर आया था, अभी मैं एक उसके ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूँ। भाई यहाँ पे जाम तो नेक्स्ट लेवल का हो गया भाई, इधर भी मुझे वही वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी भाई, इसको करना पड़ेगा जैसे मैंने दूसरी साइड करा था ना पेडेस्ट्रियन ओनली, ये वाली रोड कर देता हूँ, और इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ भाई, ठीक है। और अब मुझे दो नई रोड बनानी पड़ेंगी जैसे मैंने इस साइड करा था, तो मैंने कर दिया इधर साइड में कनेक्ट ना यहाँ से, ठीक है एक होगी इस तरफ और दूसरी होगी अपनी इस तरफ, और अब मुझे यहाँ पे सिर्फ दो सर्विस पॉइंट लगा के काम खत्म अपना। ठीक है मैंने उस सेम साइड की तरह कर दिया यहाँ पे भी, कि एक तो अपना ये क्या बोलते हैं एक तो पार्किंग हो गई है, और साथ में अपना ये हो गया है। तो यार इधर भी मेरे पास थोड़ा सा एरिया बच गया है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी जोन कर ही देता हूँ, क्योंकि क्यों वेस्ट करना भाई वाला एरिया। तो इसको मैं करता हूँ यार लो डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन, और साथ ही साथ थोड़ा सा ना यहाँ पे मतलब इसको मुझे आगे इंक्रीज भी करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है ये आ गया इधर तक सेम ऐसे ही आ जाएगा, बल्कि ना इसको ज्यादा नहीं करता मैं, क्योंकि यहाँ पे ना हाईवे भी है, इतना सही है क्योंकि हाईवे में फिर ये लोग कहेंगे भाई इतना शोर हो रहा है यहाँ पे। चलो भाई तो अब इसमें ना इधर मतलब इसकी जो थीम है ना इधर की, तो अपना ये हो गया पूरा। भाई ये जाम लगा हुआ है फिर क्या हो रहा है यार, जाम तो ये लोग लगा रहे हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा क्यों लगा रहे हैं, पर ये लोग जाम लगा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसी जाम की दिक्कत रही ना, तो मैं ये पूरा एरिया भी ना पेडेस्ट्रियन ओनली करने वाला हूँ, गाड़ियाँ यहाँ पे बैन ही कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि यार कुछ फायदा नहीं है, गाड़ी वाले जाम ही जाम करे जा रहे हैं यहाँ पे जब से, कुछ फायदा तो इतना हो नहीं रहा। और इस साइड का एरिया अपना रखते हैं, तो यार मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूँ जो थीम है मेरी, कि जैसे इसके पास पास में है ना जो क्या कहते हैं इंडिया गेट के पास में तो लो डेंसिटी रेजिडेंशियल है, और जितना मैं इससे दूर दूर जाऊंगा ना इधर इस साइड, ये अपना हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल होने वाला है, क्योंकि इधर तो मैंने पहले से ही हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल कर रखा है, तो सेम अपना हो जाएगा ये वाला हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल। और इसको ना मैं यार क्या कहते हैं इसको हाई डेंसिटी कमर्शियल कर रहा हूँ, और इससे ना एक और रास्ता मैं कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी लोग आगे जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा घूम घूम के आ रहे हैं। एक काम करता हूँ यहाँ पे ना एक रोड मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और ये सिर्फ ना एंट्री के लिए होनी चाहिए, तो इसको मैं वन वे भी बना देता हूँ, नहीं तो दोनों लोग यहीं पर घुसेंगे फिर एंट्री के लिए ना, बल्कि एंट्री एग्जिट दोनों सही है, इतना यहाँ पे क्या आ रहा है इधर क्या। अब यार इसको ये पानी वाला कोई ना कोई रह ही जाता है हमेशा, कुछ ही कर लो भाई, एक ना एक बंदा होगा इस पर पानी नहीं जा रहा होगा, इसको क्या दिक्कत आई भाई। अब भाई कार्गो ट्रैफिक, एक ना यहाँ पे शॉर्टकट बना देता हूँ सामने के लिए ना, यार ये लोग ट्रैफिक तो यहाँ पे सोल्व हो ही नहीं रहा है ऐसे, अब शायद से हो जाए, क्योंकि जिसको बाहर निकलना है सीधा हाईवे से निकलेगा ना। अब ये देखो इतने सारे लोग निकले, अब मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा ये, और ऐसे ही मैंने इधर भी बना रखा है एक। अगर सिटी हो गई अपनी कंप्लीट, मैंने पेड़ वगैरह इसमें सब कुछ लगा दिया है, और यहाँ तक मैंने पूरी सिटी कंप्लीट कर दी है, पहले वाला एरिया पूरा खाली पड़ा था ना, और यार ये इसकी ऊपर से कुछ लुक निकल के आ रही है। और अब अपना जो इंडिया गेट है ना, मैं वो पास से दिखा देता हूँ, फिर अब जो अपना इंडिया गेट है वो हो गया भाई पेडेस्ट्रियन ओनली, और यहाँ पे सिर्फ पैदल लोग चल रहे हैं। एक बार नीचे से व्यू दिखाता हूँ कि कैसा आ रहा है, एक मिनट यार, ये देखो ये इधर राष्ट्रपति भवन है और पीछे अपना इंडिया गेट है। और अब इस रोड पे भाई कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती, ये लोग साइकिल चला सकते हैं, वो जा रही साइकिल साइड में। और अब ये काफ़ी बढ़िया हो गया पहले के हिसाब से, और यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व मैंने कर दी है, क्योंकि मैंने ना पार्किंग लगा दी है बहुत सारे, जिनमें कि लोगों ने देखो कितनी गाड़ियाँ पार्क कर दिया भाई, बल्कि इधर की तो पार्किंग भर चुकी है, मुझे शायद और पार्किंग्स लगानी पड़ेंगी है ना, और पार्किंग में लगा दूंगा आगे चल के। तो दैट्स ऑल द एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी स्पेशल बिल्डिंग इसमें लगाने वाला हूँ अपने इसी मैप में, जिसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
करें और कमेंट करके बताएं कि मैं और क्या लगा सकता हूँ अपनी सिटी में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।